जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीसस क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। ओके, सॉप बेसिकली आप यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, हैंड वॉश के लिए, वॉथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, है ना, बहुत चीजों के लिए आप यूज करते हैं सॉप्स को। एंड डिटर्जेंट्स भी आप यूज करते हैं, सर्फेक्चर्स, टाइड वगैरह जो भी आप यूज करते हैं, है ना, और बेसिकली वॉशिंग के लिए जो भी वगैरह जिस टाइम के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है, सर्फेक्शन वगैरह, शैम्पूस वगैरह आप यूज करते हैं, हाँ, ये सारे डिटर्जेंट्स की फॉर्म है। ओके, ठीक है, हम यहाँ पर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे टाइड वगैरह का, सिर्फ आपको बता रहे एग्जाम्पल डिटर्जेंट्स के बारे में। ओके, देखिए अब बेसिकली क्या होता है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ये एक्चुअली क्या है ना, सॉप्स और डिटर्जेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट्स और जो आपके सॉप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ये बेसिकली क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स है, लेकिन इनके अंदर जो होता है, सॉप्स बेसिकली क्या है, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, तो सॉप क्या बेसिकली, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, एमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो बस यही डिफरेंस है। ठीक है, तो सॉप्स अगर आपको पता चले तो सॉप्स बेसिकली होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, और डिटर्जेंट्स होते हैं एमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। क्लियर बात है, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है डिटर्जेंट्स की और किसमें, सॉप्स में। तो इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे आगे हम डिस्कस करते हैं एक बात और। देखिए, जब हम सॉप यूज करते हैं हार्ड वाटर में, ठीक है, तो क्या होगा, हार्ड वाटर में सॉप यूज करने से क्या होगा, स्कम फॉर्मेशन होता है। स्कम फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, क्या प्रिसिपिटेशन फॉर्म होता है, यानी कि जो आपका, आप जब सॉप यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं वॉशिंग में, तो आप देखते हैं आपका जो साबुन होता है वेस्ट हो जाता है। आप कोई से भी साबुन यूज कर रहे हो, कौन सा साबुन यूज करते हैं आप, जो भी पांच बे वगैरह जो भी आप यूज करते हैं, आप देखते हो वेस्ट होता है बहुत ज्यादा, इसमें से क्या निकलता है आपका, व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में जो है रिमूव हो जाता है, अगर हार्ड वाटर है तो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, और हम डिटर्जेंट्स डालते हैं, डिटर्जेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है उसका रीजन बताते हैं आपको। देखिए बच्चे, अब हम बात करते हैं स्कम की। बेसिकली देखो बच्चे क्या है, आपको पता है हार्ड वाटर की हम बात करते हैं, हार्ड मतलब ये नहीं कि आप उसको प्रेस करो तो बहुत ज्यादा हार्ड हो, सॉलिड फॉर्म में नहीं। बच्चे हार्डनेस ये होता है कि उस वाटर के अंदर कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट है जो कि उस वाटर को पीने योग्य भी नहीं बनाते, और उसमें जो अगर हम सॉप यूज करते हैं वॉशिंग के लिए तो क्या होता है, स्कम फॉर्मेशन होता है। अब स्कम है क्या चीज, देखिए पहली बात, द मैग्नीशियम एंड द कैल्शियम सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। अब बेसिकली होता क्या है, वाटर के अंदर अगर कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट, या कैल्शियम क्लोराइड हो गया, या कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट है वाटर के अंदर, तो बेसिकली क्या हो, वाटर हार्ड वाटर होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चे, आपको बताया था मैंने, सॉप्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, वो इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, अब वो जैसे ही सॉप जो है हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है, यानी स्टिक स्टिकर्स होता है, या इनसॉल्युबल प्रोडक्ट यानी कह सकते हैं आपका, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होता वो, उसके साथ डिसॉल्व भी होता है, और वो जो है एक तरीके की उसमें हार्ड से लेयर बना रहता है इसकी सॉप की, तो उसको हम कहते हैं स्कम कहते हैं। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। इसीलिए जो बच्चे जब हार्ड वाटर हम यूज करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जब आप सॉप यूज कर रहे हैं तो आपका सॉप वेस्ट होता जाता है और क्लोज भी क्लीन नहीं होते हैं। ठीक है, उस केस में हम यूज करते हैं डिटर्जेंट्स, यूज करते हैं हार्ड वाटर के साथ, और डिटर्जेंट्स क्या करता है, डिटर्जेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, एमोनियम और सल्फेट सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, वो जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसीलिए डिटर्जेंट्स आर वेरी इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। ठीक है, और वाटर की हार्डनेस वगैरह जो है आप बाद में पढ़ेंगे 11th क्लास में, परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये फर्क होता है डिटर्जेंट्स में और सॉप्स में। क्लियर बात है। ठीक है, अगर आपके पास वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर मीन्स क्या होता है, जिसके अंदर कोई आयंस नहीं प्रेजेंट है ना,
ओके अगर आप उसमें कैल्शियम के सॉल्ट को मिला दोगे या आप मैग्नीशियम के सॉल्ट को मिला दोगे तो वो हार्ड वाटर बन जाएगा और उसमें जो आपका सॉप जो है सॉल्युबल नहीं होता, स्कम फॉर्मेशन कर देता है आपका। ओके बात क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, इतना समझ में आया, बात नहीं आई? ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए बच्चे, आपको बताया था बच्चे बेसिकली डिटर्जेंट्स आपका शैम्पूज वगैरह बनाने के काम भी आता है और क्लोथ्स को भी क्लीन करने में भी हेल्प करता है आपका। ठीक है, क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए हम कहते हैं बच्चे, जैसे अलग अलग कंपनीज के डिटर्जेंट्स आते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बात समझ में आई? वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे बच्चे थोड़ा सा जो है क्लीनिंग एक्शन सॉप के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉप जो है, ठीक है, वो किस तरीके से उसको रिमूव करते हैं, किसको, डर्ट को या ऑयल को। ओके, देखिए बच्चे, अब हम बात करते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। सॉप जो है किस तरीके से डर्ट और ऑयल को रिमूव करता है। ठीक है, देखिए बच्चे, हमने पढ़ा था बच्चे ये वाला फॉर्मूला, हमने पढ़ा है CH3C2O। ये क्या बच्चे, बेसिकली सोडियम सॉल्ट किसका कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली क्या होते हैं, सॉप्स होते हैं। ठीक है, तो अब क्या बच्चे, हमें पता है इसमें दो पार्ट है बेसिकली। एक तो बच्चे सोडियम मेटल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया था इसको ऑक्सीजन के साथ, और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन जो है नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव चार्ज होगी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक बेसिकली बच्चे क्या, दो पार्ट होगी ना, एक ये वाला पार्ट होगा, इसका ये वाला पार्ट होगा, एक कार्बन वाला पार्ट होगा, एक अपना सोडियम मेटल वाला पार्ट होगा। क्लियर बात समझ में आ गया? अब जो बच्चे ये वाला जो पार्ट आपका है पॉजिटिवली चार्ज वाला, ये होता है हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, फिलिक पार्ट होता है। ठीक है, और ये जो कार्बन वाला पार्ट है वो बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक, देखो अब ये मैंने क्यों बताया, देखो हाइड्रोफिलिक, फिलिक मीन्स द लवण। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, लवर, जो वाटर लवर होता है उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से दूर भागता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया, अभी बताता हूं, देखो समझिए बात ये, यानी जो आपका पॉजिटिव चार्ज वाला सोडियम मेटल है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वो क्या है, वाटर लवर है, और जो आपका ये है क्या कहते हैं, ये चैन है, वो है क्या, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक मीन्स जो है आपका वाटर से दूर भागते हैं। बात समझ में? ठीक है, अब देखो कैसे क्लीनिंग होती है डर्ट की और डस्ट की। देखो बेसिकली इसको हम अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, मैंने इसलिए दिखाया है इसको बच्चे क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही हमारा क्या हो, सॉप। मैंने बताया था बच्चे बेसिकली क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन्स होती है किसी कागज की। ठीक है, तो ये हो सकता है, इसको हमने इस तरीके से दिखा दी, हमने दिखा दे बच्चे सोडियम मेटल दिखा दे, और ये हमारी क्या थी, कार्बन की चैन दिखा दे। ठीक है बच्चे, ये हमारी हमने सोडियम मेटल दिखा दिया हाइड्रोजन साइन, और जो बच्चे वाला पार्ट है ये हमने इसको स्विच ऑन कर दिया, ये ओ नहीं है बच्चे, ओ नहीं है, सिर्फ हमने इसको ऐसे दिखाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं है? तो हमारे ये एन ए प्लस हो गया वाला पार्ट, और इस पार्ट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसको, कार्बन वाला पार्ट कर दिया। ठीक है, बात समझ गई, इतनी समझ में आएगी बात पक्का? चलिए देखिए बच्चे, एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम सॉप यूज करते हैं, ठीक है, क्लीनिंग में, तो किस तरीके से डर्ट और उसको क्लीन कर देता है, तो बेसिकली होता क्या है, इसमें होता है मिशल्स फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, मिशल्स फॉर्मेशन होता है। अब मिशल्स क्या होता है, ठीक है, सपोज क्या ये हमारा डर्ट है या ऑयल है, ये हमारा ऑयल ड्रॉपलेट है। ठीक है, जैसे हमने इसमें सॉप सॉल्यूशन डाला या सॉप डाला, तो होगा क्या, होगा क्या, ये वाला पार्ट क्या था, हाइड्रोफिलिक था, हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर लवर होगा, ये जो सोडियम मेटल वाला जो पार्ट होगा ये क्या जाएगा बच्चे, टुवर्ड्स वाटर, है ना। अगर हमारे पास बच्चे वाटर का, वाटर देख रहे हैं उसके अंदर क्या है आपका, ऑयल है। ठीक है, अब हमने इसमें सॉप सॉल्यूशन डाला, तो एक्चुअल में होगा क्या, ये वाला जो पार्ट होगा इट इज हाइड्रोफोबिक, ये जो पार्ट हमारा क्या है, हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक है तो क्या जाएगा, अभी फ्रॉम वाटर इसके चारों तरफ के वाटर वाटर है। ठीक है, बात समझ में आनी है, देखो ना एन ए प्लस आयन जो वाटर की तरफ होगा, और ये जो है अभी फ्रॉम द वाटर यानी टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट होगा।
होगा। इसी तरीके से क्या होगा, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके सॉप से, तो बेसिकली बच्चे ये जो फॉर्मेशन हुआ इसे कहते हैं मिशन्स फॉर्मेशन। अब मिशन्स फॉर्मेशन के बीच में क्या आपको ऑयल ड्रॉपलेट और बाकी तरसेस ने क्या कर दिया, सॉप्स के मॉलिक्यूल्स ने इसको क्या कर दिया, ढेर लिया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, धीरे धीरे करके कुछ देर बाद जो ऑयल को वो जो है क्या करेंगे, सोल्यूशन से अलग कर देंगे। बात समझ में आएगी नहीं आएगी, देखो समझ आ रही कि नहीं आ रही। देखो क्या एक्चुअल में हुआ क्या बच्चे, मैंने आपको बताया कि जो आपका सोप्स होते हैं बेसिकली सोडियम सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट वाला होता है आपका एन ए प्लस, यानी सोडियम वाला पार्ट या पोटेशियम वाला पार्ट होता है ना, वो क्या होता है हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लेवल होता है। बच्चा ऑब्वियसली बात है वो वाटर की तरफ होगा है ना, और जो कार्बन वाला पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक यानी कि डरता है पानी से। ठीक है, तो वो क्या होगा टुवर्ड्स ड्रॉपलेट से लग हुआ चैनल जो दिखा रही है ना। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं, मिशन फॉर्मेशन होगी और वो क्या करते हैं उसको डर्ट को और जो ऑयल होता है उसको रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से सॉप जो है काम करते हैं। क्लियर बात समझ में आएगी बच्चे, ओके क्लियर है। आपको डाउट्स होता है पूरे चैप्टर में, आप वीडियोस देखिए, पूरी प्लेलिस्ट मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, या मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा पूरी प्लेलिस्ट की लिंक, आप वहाँ पर देखिए। कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट लगता है बताइए मुझे, कमेंट कीजिए। ठीक है, अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस और इंडेक्स क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके ओके ओके, टिल दैट थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, ओके, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।